अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब तक आपने देखा, पैसों की लालच में शादी कर चुकी सुशांत के इरादे निधि उसके फोन पर आए एक मैसेज के माध्यम से समझ जाती है। इससे पहले कि निधि सुशांत के लालच का सच सारे परिवार के सामने लाए, वो अनमोल को बर्बाद करने की धमकी देकर निधि का मुंह बंद कर देता है। इधर अनमोल के साथ एक खंडर जैसी जगह पर आसरा ले चुका निखिल उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है। वहाँ पर आए गुंडों पर नजर पड़ते ही निखिल के साथ भाग रही अनमोल का मंगलसूत्र गिर जाता है और वो अपना मंगलसूत्र लिए बिना वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होती। अब आगे ठीक है, मैं लाता हूँ। संभल कर। ये देख, इसने कब्जा किया था यहाँ पर। तभी मैं सोचूं, यहाँ लड़की मौजूद होने का एहसास क्यों हो रहा है मुझे? और जब कब्जा कर ही लिया है तो यहीं रुक जाओ, आज का मजा दुगना हो जाएगा। ए! ये! अरे, लगता है कोई आ गया। लगता है पुलिस आ गई। चल निकल, निकल, चल जल्दी। निकल तो मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? अनमोल, बहुत ख्याल रख रहे हो अनमोल का तुम। भी तो उसे ऐसी आलीशान जगह पे लाए हो तुम। वेरी गुड, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड। आई एम रियली इंप्रेस्ड। भाई निखिल, एक कप चाय नहीं पिलाओगे मुझे? हाँ पापा। हाँ औकात तुम्हारी एक कप चाय पिलाने की नहीं है, मगर अनमोल को शादी के सपने दिखाने में ना तुमने कोई कसर नहीं रखी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। नो 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 नो, अरे डोंट गेट कंफ्यूज्ड निखिल। ऐसा है कि तुम्हारी औकात और मेरी पावर, इसमें जो डिफरेंस है ना, उसी का छोटा सा नमूना है ये, एक ब्लैंक चेक और डिवोर्स पेपर्स। अब ऐसा है कि ब्लैंक चेक पे तो मैं साइन कर दूंगा, डिवोर्स पेपर्स पे तुम कर देना, है ना? ओह, I'm so sorry। पेन तो होगा नहीं तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंतजाम भी हम किए देते हैं। पेन लाए अपने साथ? बहुत नाटक हो गया, अब और बेवकूफ मत बनाओ अनमोल को। चुपचाप इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और चेक में जो अमाउंट भरना है ना भर दो, और उसके बाद हमेशा के लिए अनमोल से मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? बस कीजिए पापा। आप जिससे बात कर रहे हैं वो मेरे पति, मुझे लगा था कि
कि जिस तरह मैं घर छोड़ कर आई हूँ उससे से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। पर नहीं पापा, तो आपने मुझे भी शर्मिंदा कर दी। कि तुम चुप क्यों खड़े हो? कुछ कुछ बोलो ना, बताओ पापा को कि उनकी सोच कितनी गलत है। बोलो, ये तुम क्या कर रहे हो? वाकई ससुर जी, पर आपने काफी देर कर दी मेरे इरादे समझ। अगर ये काम थोड़ा पहले कर लिया होता तो आपकी बेटी को थोड़ी कम तकलीफ उठानी पड़ती। देखो ना बेचारी की क्या हालत हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या बोल रहे हो? अनमोल, चलो बेटा। अनमोल, निखिल, अनमोल, मुझे डिवोर्स पेपर साइन करके ना घर भिजवा देना। चलो ससुर जी। निखिल, पेन देना भूल गए आप? या? थैंक यू। अरे अब तो मैं भी करोड़पति हो गया हूं। अब एक चाय तो बनती है ना? ऑफ कोर्स। तुमने इसके लिए इसके लिए अपने परिवार को मुझको ठोकर मारी थी। तुम इसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे? अनमोल, ये है इसका असली। ससुर जी, ये लीजिए, ये लीजिए ससुर जी, पूरे 1 करोड़ की चाय बनाई है आपके दवाद ने आपकी। लीजिए, जरा जरा टेस्ट करके बताइए ना कि कैसी। ठीक है, मैं जरा चख के बोलूं। अच्छी नहीं। 1 करोड़ की चाय में भी मजा नहीं आया ससुर। बेटी की कीमतें लगानी थी ना तो कम से कम नाम अनमोल नहीं रखना चाहिए था। शायद आपके लिए नाम की अनमोल होगी, पर मेरे लिए मैं वाकई में अनमोल। हो सकता है कि सारे घर में कहीं ना हो। सीमा का कमरा,
सर। कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे प्रभु? अरे जिसे गोद में बिठाकर खिलाया, जिसे लोरी सुनाई, जिसे चलना सिखाया, उसी नातिन के कमरे में चोरों की भांति पैसे ढूंढने चला था। अब कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं चित्रगुप्त जी को स्वर्ग के द्वार पर? लेकिन पापों की सजा तू मुझे दे रहा है, क्या ऐसा क्या अपराध हो गया है मेरा? अपने ही खुद के घर में चोरों की भांति पैसे ढूंढते फिर रहा हूं मैं। तेरी लीला अपरंपार है, पता नहीं किसके पैसे हैं, लेकिन ये लेने पड़ेंगे प्रभु। क्या वो किराने वाला पैसा मांग रहा है, दूध वाले को बिल चुकाना है। मैं तो क्या प्रार्थना की थी प्रभु, एक अच्छी सी होनहार पैसे वाले घर की बहू आ जाए। तुमने भेजी भी तो कैसी बहू भेजी, दुश्मन के घर की, मतलब हमारी बिरादरी की नहीं है। और उसके संस्कार कैसे होंगे वो तो उसके बाप को देखकर ही पता चल जाता है। क्या करेगी वो मेरे निखिल के भविष्य का? और निखिल, इतनी उम्मीदें थी मुझे उससे, उसे इतना पढ़ाया लिखाया, वरना बिठा देता उसे भी पूजा पाठ के लिए। क्या क्या सपने, क्या क्या अरमान देखे थे मैंने। सोचा था मेरे बुढ़ापे में वो मेरी लाठी बनेगा, लाठी बन के सर पे पड़ा मेरे। आजकल जहां भी जाता हूं शर्म से नजरें झुक जाती है, लोग पूछते रहते हैं कि पंडित जी आपके बेटे ने ऐसा, कोई काम भी नहीं देता आजकल। तेरी इस भराई हुई दुनिया में बिना पैसे जीना बहुत ही मुश्किल है प्रभु। पता नहीं ये तेरा भक्त अपने परिवार को कैसे चला पाएगा। मुझे माफ कर देना, पता नहीं किसके पैसे हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा होते तो अच्छा होता। सुबह के 5 तो बज गए हैं, पर मेरी जिंदगी में शर्म और लाचारी का अंधेरा तब तक फैला रहेगा जब तक इस उलझन का तोड़ नहीं मिल जाता मुझे। बस एक ही आदमी है जो मुझे इस दलदल से निकाल सकता है। उसके साये से भी नफरत है मुझे, पर जब अपनी औलाद ने घुटनों पर ला दिया हो ना, तो उससे मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। क्यों बुलाए मुझे यहां, क्या चाहते हो मुझसे? इतना अकड़ो मत तिवारी, याद रखो कि हम और तुम एक ही नाक में सवार हैं। समाज में नाक मेरी भी कटी है और तुम्हारी। तुम्हारे बच्चों ने हम दोनों को जलील कर दिया दुनिया के सामने, हमारे नाम को, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। महात्मा ज्ञानी ब्राह्मण हूं रतन सिंह, मृत्यु स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे कुल, मेरे संस्कार और मेरे घर की मान मर्यादा पे अपमान का ग्रहण लगाने वाले को हरगिज स्वीकारूंगा नहीं, चाहे फिर वो मेरी संतान ही क्यों ना हो। मेरा बस चले तो मेरी औलाद को मैं बेटे होने के हक से बादखल करूं, गला घोंट दूं। तुम एक ब्राह्मण हो
और बुद्धिमान होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी हो, ये सब मैं जानता हूं। पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक बाप हो, और एक बाप अपनी औलाद को, अपने बेटे को मौत के मुंह की तरफ नहीं धकेल सकता। अब इस समस्या का समाधान हम दोनों को मिलकर निकालना है, ताकि समाज में खोई हुई इज्जत हमें वापस मिल सके। इस समस्या का समाधान असंभव है रतन सिंह। जितना मेरा बेटा हठीला है, उतनी तुम्हारी बेटी ढिठ है। वो दोनों हमारी बात नहीं मानने वाले। मैं मानता हूं कि सीधे तरीके से वो हमारी बात नहीं मानने वाले हैं, इसीलिए हमें कूटनीति अपनानी होगी। और उसमें तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? देखो, जो तुम्हारे मन में है वो साफ साफ बताओ, इस तरह पहली आमद बुझाओ। तुम मेरी बेटी को मेरे घर वापस भेज दो। तुम्हें तुम्हारा बेटा और खोई हुई इज्जत मिल जाएगी, और साथ में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। चाणक्य ने कहा है कि इस संसार में न तो कोई पैदाइशी शत्रु है, न कोई पैदाइशी मित्र। सब संजोग के अनुसार शत्रु या मित्र बनते हैं। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, मुझे प्रस्ताव स्वीकार्य है। आप सबको शंका कुशंका हो रही होगी, मैंने ये सभा क्यों बुलाई? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसका मैं ऐलान करने जा रहा हूं? ये पैसे मैंने यहां से लिए थे, जिसके भी हो वो मुझे माफ करे। भगवान को साक्षी रखकर मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि ऊपर से चाहे भले मैं कठोर लगूं, लेकिन आखिर मैं एक बाप। मुझे भी मेरे बेटे की याद सताती है। मैं उसके बगैर खुश नहीं रह सकता, और नहीं आप सबको इतना दुखी देख सकता। मुझे लगता है मैंने निखिल और उसकी बहू को घर में ना आने देकर बहुत बड़ी गलती की है बीबी। अशोक, तू करना क्या चाहता है? मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं दीदी। मुझसे नहीं रहा जाता हूं उसके बिना। मैं उसकी माफी मांग लूंगा, लेकिन निखिल और बहू को वापस बुला लेते।